उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 1 अक्टूबर को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। मुलायम सिंह के निधन के बाद समाजवादी पार्टी में शोक की लहर डूब गया। उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना पर बेटे अखिलेश यादव, भाई शिवपाल यादव और बहू अर्पणा यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। बता दें कि 3 महीने पहले ही उनकी पत्नी साधना गुप्ता का निधन भी हो गया था। मुलायम सिंह यादव के निधन की जानकारी देते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। 55 साल से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहे मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में हुआ था। उन्होंने राजनीति शास्त्र में MA की पढ़ाई की थी। वह 1967 में पहली बार UP के जसवंत नगर से विधायक निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे और फिर उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह 8 बार विधायक निर्वाचित हुए तो वहीं 7 बार निर्वाचित होकर लोकसभा सांसद बने। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर बेहद शानदार रहा। 1977 में वह पहली बार जनता पार्टी से यूपी के मंत्री बने थे, जबकि 1989 में वह पहली बार यूपी के सीएम बने। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की संस्थापना की थी और 1993 में बसपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बेटे अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने के बाद वह इसके संरक्षक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव फिलहाल लोकसभा में मैनपुरी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।